अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखें जी, आज मैंने बास्किन रोबिन ऑर्डर की है। वैसे तो हम डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करते रहते हैं ना, जैसे कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें तो आप ऑर्डर कर लेते हैं ना। आइसक्रीम शायद आपने कभी ऐसे ऑर्डर ना की हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने BR से आइसक्रीम ऑर्डर की थी तालाबाद के थ्रू, तो कैसे उन्होंने डिलीवर किया और आइसक्रीम को ऑर्डर करना चाहिए ऑनलाइन या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कितने मज़े की चीज़ ऑर्डर की थी। एक्चुअली ये ऑफ़र थी बाय वन गेट वन फ्री, लाइक जो छोटा कप था एक स्कूप के साथ वो मुझे फ्री मिला था, और साथ ही उसके अंदर एक केक भी था जो कि बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक था। और उसके ऊपर जो केक की टॉपिंग थी ना, लाइक वो कैरमल थी, उसके अंदर नट्स थे, स्पेशली पीनट्स थी, वो बहुत मज़े की थी। सो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे दी, जिसके अंदर दो छोटी छोटी सी डिबियाँ थी जिसके अंदर क्रश्ड किटकैट थी, और ये दोनों बॉक्सेस थे, ठीक है। और मैंने तालाबाद के थ्रू ऑर्डर किया, डायरेक्ट वो यहाँ पे डिलीवर नहीं करते हैं, डेट्स वाई उसके थ्रू मैंने ऑर्डर किया। और अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। यमी सा अपनी मर्ज़ी से सारी टॉपिंग्स करवाई थी। एक फ्लेवर मैंने लिया स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, और दूसरा वाला मैंने लिया था प्रलाइन एंड क्रीम। और ये देखें जी, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ अंदर से। इसको देख के ना अगेन मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और फाइनली जी इसको मैंने ओपन कर लिया। और सबसे पहले आप इसकी केक को देखें कितना मज़े का लग रहा है, आपके भी ही डेफिनेटली मुंह में पानी आ रहा होगा। और ये देखें जी, इसके ऊपर बंटीज़ हैं, नट्स भी थे, और ये केक की आपने लेयरिंग देखी है कितने मुझे इसका नाम नहीं आ रहा है। और ये देखें जी, इसका ये जो टॉप था ना, ये बहुत ही लजीज था, बहुत ही मज़े का था। और आइसक्रीम प्रोलाइन एंड क्रीम तो मोस्ट फेवरेट फ्लेवर है, और ये वाला था स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, ये भी बहुत मज़े का था। सो अब बात करते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। साथ साथ में खा रही हूँ। तो आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर करने से ये होता है कि आप देखें कि कप्स के अंदर वो पिघली हुई है। देखिए मैंने ये सारी नहीं खानी थी, मैंने जस्ट उसको चेक किया, और फिर मैंने एक कप को फ्रीज़र में रख दिया था कि मैं नेक्स्ट डे उसको खाऊंगी, क्योंकि मैं घर में अकेली थी। तो यहाँ पर तो मैं जस्ट चेक कर रही थी दोनों को। सो जी, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, आप बाहर से जाके नहीं लेके आ सकते हैं, तो फिर आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। अदरवाइज़ मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऑनलाइन मत मंगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा पिघल जाती है, बहुत ज़्यादा। अब आप इसको तो मैं बंद कर रही हूँ, उसके ऊपर मैंने क्रश किटकैट डाल दी थी, तो ये इतनी ज़्यादा पिघली हुई थी कि जब तक मैं, ये देखें जी, आप देख भी रहे हैं ना कि वो चम्मच में नहीं आ रही थी सही तरह से, वो नीचे फुली मेल्ट हुई हुई थी। और दूसरा ये होता है कि जो केक होता है वो गर्म होता है, तो उसके ऊपर जब ये आइसक्रीम रखते हैं ना, तो वो फिर मेल्ट हो जाती है। सो BR वालों को तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे ना भेजा करें, कोई तरीका होता है भेजने का, मतलब सही आनी चाहिए जहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हैं ना, उनको आइसक्रीम सही मिलनी चाहिए, इस तरह उसका शेक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन खैर, मज़ा बहुत आया और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। सो जी, अब यहाँ पे मैं तो इसको खाने लगी हूँ, और इंशाल्लाह आपके साथ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।